हाई, दिस इज हेलीन सानिया एंड यू वॉचिंग भूगल बॉलीवुड। 31 जुलाई को अमेजॉन प्राइम पर बायोपिक शकुंतला देवी रिलीज होने वाली है। विद्या बालन फिल्म में शकुंतला देवी के किरदार में देखी जाएंगी। शकुंतला देवी एक महान इंडियन मैथमेटिशियन थी जिन्हें मानव कंप्यूटर भी कहा जाता था। चलिए फिल्म रिलीज से पहले जानते हैं शकुंतला देवी के कुछ किस्से। शकुंतला देवी की हिसाब किताब करने की रफ्तार को देखते हुए उन्हें 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। वह कन्नड़ ब्राह्मण थी। उनके पिता ने अपने परिवार में बगावत करते हुए मंदिर का पुजारी बनने से इनकार कर दिया और सर्कस में शामिल हो गए। उन्होंने ही अपनी बेटी शकुंतला की नंबरों से बाजीगिरी करने की प्रतिभा को पहचाना जब वह मात्र 3 साल की थी। इसके बाद उन्होंने सर्कस छोड़ दिया और बेटी की प्रतिभा को सड़कों पर घूम घूम कर प्रदर्शन करने लगे। नन्ही शकुंतला इतनी मशहूर हो गई कि मात्र 6 साल की उम्र में उन्हें मैसूर विश्वविद्यालय में गणित के कठिन सवाल हल करने की प्रतिभा दिखाने के लिए बुलाया गया। किस्मत ने पलटा खाया और वह 1944 में पिता के साथ लंदन चली गई, जहां से वह दुनिया भर में घूमती और अपनी प्रतिभा से लोगों को चौंका देती। विवाह के बाद उन्हें पता चला कि उनका पति गे है। दोनों के बीच तलाक हुआ। शकुंतला देवी ने गे को लेकर अपने दौर में द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स नाम की एक किताब भी लिखी है, जिस पर उस दौर में लोगों का अधिक ध्यान नहीं गया। रोचक तथ्य ये है कि शकुंतला देवी ने 1980 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध मेडक से लोकसभा चुनाव भी लड़ा है, जो कि आज तेलंगाना में है। उन्होंने कहा कि वह लोगों को इंदिरा गांधी द्वारा बेवकूफ बनाए जाने से बचाना चाहती है। हालांकि चुनाव में वह 9वें नंबर पर आई और जमानत गवां बैठी। मानव कंप्यूटर के साथ शकुंतला देवी ज्योतिष और लेखिका भी थी। बता दें, शकुंतला देवी की ये फिल्म 31 जुलाई को अमेजॉन पर रिलीज की जाएगी। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे भूगल बॉलीवुड के साथ।